मॉर्निंग स्टूडेंट्स, U3's के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में लेसन फर्स्ट रियल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम कुछ संख्याओं का अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका दशमलव प्रसार अशांतावर्ती हो। तो ये वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है और आज हम कुछ संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कल परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा है। तो हमने वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम अपरिमेय संख्या, इसको वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे तो इसका वर्गमूल जो है दशमलव के बाद अशांतावर्ती आ रहा है, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करने के लिए हम उसको स्टार्टिंग में एक परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, अर्थात ए अपॉन बी की फॉर्म में या पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ फ्रैक्शन के रूप में मान के चलेंगे। वर्गमूल 5 को हमने माना ए अपॉन बी की फॉर्म में और यहाँ ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। परिमेय संख्या में ये जो कंडीशन होती है कि वो जब फ्रैक्शन में होता है तो उसमें कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 2, 3, ये जो है इनमें कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है तो ये सहभाज्य पूर्णांक है। 3, 5 ले सकते हैं, 5, 11, इनमें कॉमन फैक्टर एक ही है, एक के अलावा नहीं है, तो इनको हम सहभाज्य, इस ऐसे अनेक हो सकते हैं हमारे पास। तो ए और बी सहभाज्य है अर्थात कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको सहभाज्य पूर्णांक माना है तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त हम ले आए। तो हमने उसके लिए स्टार्टिंग में क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया हमने, स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, 5 आ गया। यहाँ हमारे पास दोनों का वर्ग करेंगे तो एक को ए से गुणा करेंगे स्क्वायर, बी को बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, आर पार गुणा की उसके बाद हमने। तो ए स्क्वायर को एक से किया, ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। 5 को बी स्क्वायर से किया, 5 बी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन एक लिख दिया, समीकरण एक। अब हमारे पास हम रीजन देंगे क्योंकि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। 5 कैसे है, अर्थात एक की वैल्यू 5, बी स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा बी की 2 है। तो यहाँ एक की 2 का एक गुणनखंड 5 आ रहा है, तो एक का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये किस प्रकार होगा, यूक्लिड प्रमेय द्वारा। हमने एक की वैल्यू को यहाँ 10 लिया तो ए स्क्वायर का मतलब है 10 की शक्ति 2, यहाँ हमारे पास 100 प्राप्त हो गई। 100 के फैक्टर किए 2, 2, 5, 5 हमें प्राप्त हुई। अब एक की वैल्यू हमारे पास 10 है तो एक का हमने 10 के फैक्टर किए 2, 5, तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर है, अर्थात एक फैक्टर ऐसा है जो स्क्वायर में भी है तो उसका वास्तविक संख्या का भी होगा। तो इसी प्रकार से एक का फैक्टर 5 होगा, ये यूक्लिड प्रमेय द्वारा है। अब एक का एक फैक्टर हमें 5 पता चल गया, हमें और वैल्यू फैक्टर उसके नहीं पता, तो हमने एक की वैल्यू 5 सी लिखा यहाँ पर, क्योंकि 5 तो हमें पता ही है और सी हमने जो भी अतिरिक्त इसके गुणनखंड है फैक्टर है वो सी मान लिए, तो 5 सी हमने वैल्यू मान ली ए की। अब ए बराबर 5 सी लेंगे हम तो समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक है एक की 2 बराबर 5 बी की 2, तो एक की 2 की एक की जगह 5 सी रखा, पावर 2 हो गई, ये सेम टू सेम। उसके बाद 5 सी को हल किया तो 5 की शक्ति 2 25, सी की शक्ति 2, सी की 2 आ गया, तो 25 सी की 2, 5 को इस साइड में लेके आए तो 5 से 25 को 5 से भाग दिया हमने, तो यहाँ हमारे पास 5 सी की 2 प्राप्त हुआ, यहाँ बी की 2, हमने बी की 2 को पहले लिखा, 5 सी की 2 को यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार बी की 2 का फैक्टर भी हमारे पास 5 प्राप्त आ गया गुणनखंड। अब बी की 2 का गुणनखंड 5 है तो यूक्लिड प्रमेय द्वारा हम बी का भी गुणनखंड 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ए तथा
बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 प्राप्त हो गया, जबकि हमने ए और बी सहभाज्य पूर्णांक माने थे, इसलिए हम कह सकते हैं ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो यह विरोधाभास, यहाँ विरोध प्राप्त होगा क्योंकि हमने मान के चला था सह अभाज्य पूर्णांक और हमारे पास प्राप्त हो गया नहीं, तो यह विरोधाभास हमने गलत कल्पना की, इसके कारण हमें प्राप्त हुआ है कि ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, हम ए बटे बी को एक परिमेय मान के चले थे। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि a बटे b एक अपरिमेय संख्या है। अब a बटे b को हमने किसके इक्वल माना था, वर्गमूल 5 के, तो a बटे b एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, तो इससे हम अतः सिद्ध होता है कि कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में आशा करता हूँ कि इस विषय को आपको समझने में आसानी हुई होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे, प्रॉब्लम होंगे, आप हमसे अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।